अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डील्ड विद द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड नाउ वी विल बी डीलिंग विद द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. एंड लेक्चर नंबर 5 इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस कंटीन्यूअस टेंस. एंड उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिनमें बेसिक जो हमारी चीज़ थी वो ये थी कि कंटीन्यूअस टेंस है क्या और वो आगे जो डिवाइडेड है वो किस बेस पे डिवाइडेड है एंड ऑल. और अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आई रिकमेंड यू पीपल गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड देन कम बैक, बिकॉज ऑल दीज वीडियोज़ आर लिंक्ड एंड यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग अगर आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो. ओके, नाउ मूविंग टू द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस. Future continuous tense is actually dealing with, this continuous is always dealing with a continuity. कि हमारा जो काम है वो continue है, वो जारी है. और future का मतलब, अब यहाँ पे future आ गया, future का मतलब होता है the upcoming time, ठीक है, यानी कि tomorrow और उसके बाद वाला, यानी कि इस present से next वाला जो time होगा that would be the future tense. तो अब जारी है और फ्यूचर, हाउ आर दीज टू थिंग्स लिंक्ड. तो फ्यूचर में ये काम होगा, लाइक हम ये कहते हैं कि वो खेलता रहा होगा, ठीक है. तो ये हमारे पास होगा रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर एंड रहा रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूटी. ओके, तो अब इसकी उर्दू पहचान की तरफ अगर हम आएँ तो उसमें हमारे पास है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ये होगा इज़ द फ्यूचर इंडिकेटर एंड रहा इज़ द कंटिन्यूस इंडिकेटर कि काम जारी है. ओके, इसके एग्जांपल सेंटेंसेस को देख लेते हैं. वो खेलता रहा होगा. अब अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स को देखें तो विल बी एंड शैल बी. Will be और shall be हमारे helping verbs होंगे जो कि हमारे continuous tense में use होंगे, future continuous में. अब ये will be और shall be का ये जो use है, अगर हम traditional English के according देखें तो I and we, these are the words that use the word shall. और बाकी जितने भी हैं like he, she, it, they, every word will be using will. ठीक है, अब यहाँ पे जो आई और वी हैं इनके साथ हम शैल लगाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग. तो ये जो आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, अगर हम कहीं पे सर्टेनिटी शो कराना चाहते हैं, यानी कि हम कहीं पे कन्फर्मेशन देना चाहते हैं, किसी चीज़ का ये शो कराना चाहते हैं कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो दैट वुड बी द केस जहाँ पे हम विल यूज़ करेंगे आई और वी के साथ. यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि वो ज़रूर खेलेगा, ठीक है, ये हमारे पास इनडेफिनिट टेंस है. ज़रूर का कॉन्सेप्ट देने के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट द इनडेफिनिट टेंस, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस. वो ज़रूर खेलता रहा होगा. He shall be playing. अब जिस तरह I और we के साथ will use होगा ज़रूर की सिचुएशन में, वहाँ पे he, she और it के साथ shall use होगा ज़रूर की सिचुएशन में. यानी कि ज़रूर जहाँ पे हमने शो कराना होगा वहाँ पे हम helping verbs को opposite कर देंगे. अब यहाँ पे अगर हम ज़रूर का word निकाल दें तो वो खेलता होगा, इसका हमारे पास जो English होगी he will be playing. तो अब यहाँ पे हमने he के साथ helping verb use किया will, बट जब हमने ज़रूर का वर्ड यूज़ किया तो वो विल किस में कन्वर्ट हो गया, शैल में. तो दैट इज़ द थिंग कि जब ज़रूर यानी कि सर्टेनिटी शो करेंगे तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स को ऑपोजिट कर देते हैं. नाउ मूविंग टू बोथ द सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा सब्जेक्ट. बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑलवेज SVO पैटर्न. अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी आर द हेल्पिंग वर्ब्स टू बी यूज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि V1 प्लस INC प्लस ऑब्जेक्ट.
तो बेसिक पैटर्न हमारे पास आ गया पॉजिटिव सेंटेंस का, ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है. ओके, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जब हम मूव करते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ऑल दीज थिंग्स विल रिमेन द सेम. जो एडिशन होगा दैट वुड बी ऑफ नॉट, यानी कि नॉट हमारे पास यूज होने लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में. नॉट इज द इंडिकेटर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. मूविंग टूवर्ड द नेगेटिव इंट्रोगेटिव. अब ये जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, दिस इज द सेंटेंस जो कि हम नेगेटिव सेंटेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. यानी कि अगर हम ये सब्जेक्ट, ये जो नॉट है, इसको इसी तरह से यूज करें कि वो खेलता नहीं रहा होगा, ठीक है, तो हम इसकी इंग्लिश जो करेंगे वो होगी, वेट फॉर अ सेकेंड, वो खेलता नहीं रहा होगा. ही विल नॉट बी प्लेइंग. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है. ये जो बी है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है. ये विल और बी के बीच में हमारे पास नॉट यूज होगा. नॉट विल नेवर बी यूज आफ्टर द बी. विल बी नॉट ये सेंटेंस नहीं होगा. ही विल नॉट बी प्लेइंग ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है. और इसके बाद जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी कि क्या, तो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे कि विल ही नॉट बी प्लेइंग. हमने सिर्फ इस विल को सब्जेक्ट से पहले मूव करवाना है, जिस तरह से यहाँ करवाया. बाकी ही नॉट बी प्लेइंग, नॉट और बी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए नॉट और बी विल रिमेन एट द सेम पोजिशन एंड विल कम एट द फर्स्ट सेंटेंस. इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास किसका है, पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास. ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसको अगर हम करें, क्या वो खेलता रहा होगा, तो अगर हम इसके पीछे क्या लगा दें, क्या वो खेलता रहा होगा, तो इसकी जो हमारे पास इंग्लिश होगी दैट वुड बी विल ही बी प्लेइंग. This B would remain at the same position every time. आप चाहे negative interrogative बना रहे हैं, चाहे simple interrogative बना रहे हैं, B would be at its own place. And will shall will be moving. Just the will shall will move, and the B will not be moved, and the not will also not be moved. तो basically, जब हमने ये helping verb starting पे move करना है, तो हम सिर्फ will और शेल को स्ट्राइडिंग पे मूव करेंगे, बाकी सेंटेंस विल रिमेन द सेम. अगर हम इसके जो ये है स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और प्रिसाइज करना चाहें, तो हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, नॉट के आगे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस वुड बी द कंप्लीट सेंटेंस. तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एंड आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू पीपल. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, जस्ट नोट दिट डाउन बिलो, एंड वी विल बी डीलिंग विद ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन द वन टू वन सेशंस और इन द अपकमिंग वीडियोस और द लाइव सेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.